हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि आपको अगर किसी भी चीज़ को शेड करना है तो शेडिंग करने की जो टेक्निक है कौन कौन सी होती है, जो मेन टेक्निक है हम आज उसको बताने वाले हैं। किसी भी चीज़ को शेड करना है पेंसिल से तो शेड कैसे करेंगे, शेड करने के जो टेक्निक है कौन कौन सी है आज हम उसको बताने वाले हैं। तो पूरे वीडियो साथ बने रहिए, हम आपको बिल्कुल आपको सही तरीके से दिखाएंगे, शेड करके दिखाएंगे कौन कौन सा तरीका है। तो इसके पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल वाली घंटी को भी ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे मिल जाए। मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक लगभग हमने काफ़ी चित्र बना दिए हैं, चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चाहे वो आलेखन का हो, चाहे प्रकृति चित्रण हो, अश्मि चित्रण हो, कोई भी हो, दृश्य चित्रण हो, बाकी आगे भी हम बना रहे हैं, तो आप चैनल पर चेक कर लीजिए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और मुझे आशा है कि वीडियो इतना अच्छा बनाएंगे आपको ज़रूर पसंद आएगा, आप एक बार ज़रूर चेक करें, अगर चेक कर लेंगे आपको यकीन नहीं होगा इतना अच्छा बनाया गया है। आपको हम आशा है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, एक बार जरूर मैं वीडियो को चेक करें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए हम आपको बताते हैं कि किसी भी चीज़ को शेड करना है उसका शेड करने का कौन सा ट्रिक है, शेड चित्र कैसे करते हैं, चलो हम आपको करके दिखाते हैं। तो पूरे वीडियो से बन रही है, चलो हम आपको दिखाते हैं। इस समय हम अपने ड्राइंग टेबल पर आ गए हैं, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि शेडिंग करने का टेक्निक कौन कौन सी है। पहले जो टेक्निक है ये है हैचिंग, और जो दूसरा टेक्निक है ये है क्रॉस हैचिंग, और तीसरा है स्टपलिंग, और चौथा है ब्लेंडिंग। तो ये चार तरह के टेक्निक होता है किसी भी चित्र को शेड करने के लिए, तो हम इसी को आज बताने वाले हैं। तो चलिए पूरी बेड साथ बने रहिए, हम आपको बारी बारी से सभी टेक्निक को करके दिखाते हैं। तो पहले हम देखते हैं हैचिंग, हैचिंग टेक्निक क्या होता है, कैसे करते हैं, इसको हम दिखाते हैं। हैचिंग में क्या होता है, इसमें हम इस तरह से सेट करते हैं लाइन द्वारा। हैचिंग सेटिंग में इसमें हम सेट कर रहे हैं, ये है कैमलिन की चारकोल पेंसिल, ये मीडियम है जिसमें ये तीन ग्रेड की आती हैं, जिसमें हार्ड होता है, मीडियम होता है और शार्प्ट होता है। तो ये मीडियम है, ना तो बहुत ही हार्ड है ना तो शार्प्ट है, ये मीडियम पेंसिल है चारकोल। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप पेंसिल कौन सी यूज करते हैं, बार बार पूछते हैं कि पेंसिल कौन सी है, तो बता दें ये पेंसिल चारकोल है पेंसिल है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, तो इसी से मैं सेट करके आपको दिखा रहे हैं। ये होता है हैचिंग टेक्निक, इस तरह से हम किसी भी चित्र को शेड करेंगे तो ये हैचिंग में आएगा। इस तरह से किसी भी चित्र को हम शेड ऐसे करते हैं, इस तरह से इसको हम पूरा कर देंगे लाइनिंग द्वारा, इसको हम पूरा करेंगे ऐसे ही, इस तरह से हम इसको शेड पूरा कर देंगे। ये टेक्निक है हैचिंग में है, जिसमें हम सिर्फ लाइनिंग के द्वारा शेड करते हैं। इधर से प्रकाश दिखाया गया है और इधर शेड इसका छाया दिखाया गया है, और इसका शेडो जो आ जाएगा इधर नीचे आ जाएगा, इधर नीचे इसको जो है इसका छाया पड़ जाएगा। ये होता है जो टेक्निक है, ये होता है हैचिंग। चलो दूसरा स्टेप देखते हैं, दूसरा जो होता है ये है क्रॉस हैचिंग। अब क्रॉस हैचिंग में क्या होता है इसको चलो हम करके दिखाते हैं। क्रॉस हैचिंग में पहले इसको हम हैचिंग करते हैं, इसको पहले हैचिंग से हम इसको पूरा कर लेंगे, तो आगे हम आपको दिखाते हैं इसको क्रॉस हैचिंग कैसे शेडिंग करते हैं। अभी दिखाते हैं, पूरे बड़े साथ बने रहिए। इसको लाइनिंग से रेस्ट कर दिए, उसके बाद इसको हमको इधर से सेट करना पड़ेगा।
ऐसे, यानी कि एक बार ऐसे हुआ है, उसके बाद इसको हम इधर सेट करेंगे, इसको क्रॉस लाइन से काट देंगे इस तरह से, ये हो जाएगा क्रॉस हैचिंग शेडिंग। आई होप आपको जरूरी आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो जाएगा इस तरह से क्रॉस हैचिंग शेडिंग, ये दूसरा इस तरह से होता है। तो दो स्टेप हो गया, पहला हैचिंग, हैचिंग विधि है, दूसरा क्रॉस हैचिंग। अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप है ये है स्टिपलिंग। स्टिपलिंग में क्या सेटिंग हो, कैसे करते हैं, चलो करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम इसको ऐसे सेट करेंगे इस तरह से डॉट डॉट बिंदु रख के, तो छह प्रकाश सिस्टम दिखाएंगे, इधर प्रकाश पड़ रहा है तो इधर हल्का रखेंगे डॉट में ही, इस तरह से इसको हम पूरा सेटिंग करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छा बनेगा। इसको हम इसी तरह से स्टिपलिंग जो करके बार बार से ऐसे पूरा शेडिंग करेंगे, ये देखिए इस तरह से इसको हम पूरा करेंगे। इसमें लाइन नहीं खींचेंगे, सिर्फ इसको हम स्टिपलिंग करके ऐसे ही बार बार पूरा शेडिंग ऐसे कर देंगे, जिधर प्रकाश दिखाना है उधर से, नहीं ज़्यादा नहीं होगा, इस साइड जो है छाया दिखाना है साइड हो, तो इससे हमको पूरा स्टिपलिंग करना पड़ेगा। इस तरह से इसको हम शेडिंग पूरा करेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ये स्टिपलिंग जो सेटिंग है लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आ जाएगा, इधर से लाइट है और इधर शेडिंग हो गया, तो ये हो गया तीसरा स्टेप जो है, ये हो गया स्टिपलिंग। अब इसके हम बाद हम बात करते हैं अगला स्टेप जो है, चौथा नंबर जो है ये है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग टेक्निक कैसी होती है, कैसे किसी कहते हैं, ये तरीका कैसे है, चलो हम दिखाते हैं। ब्लेंडिंग में क्या होता है, पहले इसको हम शेडिंग करेंगे ऐसे, पेंसिल को ऐसे पकड़ेंगे आराम से, बढ़िया से हल्के हाथों से इसको शेड करेंगे, इसमें अलग अलग पेंसिल यूज कर सकते हैं। पहले इससे इसमें यूज करेंगे 2B HB इसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो इसका स्टेप लगाएंगे आप 4B 6B फिर 10B लगा सकते हैं इसको हम, लेकिन हम एक ही पेंसिल से पूरा कर रहे हैं, सिर्फ मीडियम वाले से चारकोल से ही पूरा कर रहे हैं, दिखाते हैं। तो पहले लाइट में एक लेयर पूरा करेंगे, जब दूसरा लेयर लगाएंगे थोड़ा सा 6B 8B लगा सकते हैं, फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में जो तीसरा लेयर लगाएंगे वो हो जाएगा 10B लगा सकते हैं, 12B लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम सिर्फ एक ही पेंसिल से आपको पूरा शेडिंग करके दिखाएंगे। लाइट डार्क जो शेडिंग है, देखिए इधर लाइट हो गया, इधर डार्क जो है इसको थोड़ा सा एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर करेंगे थोड़ा सा और इसको डार्क करेंगे, इस तरह से इसको हम पूरा कर देंगे। एक बार इसको ऐसे सेट किया गया, फिर उसके बाद ऐसे कर देंगे इस तरह से, तो शेडिंग अच्छा से आ जाएगा। और किनारे थोड़ा सा भी और इसको डार्क करना है, ये जो है ब्लेंडिंग शेडिंग में हो जाएगा, आ जाएगा इस तरह से जो है ब्लेंडिंग शेडिंग करते हैं। इतने करने के बाद इसको ब्लेंड करने के लिए हम इसको हम क्या करेंगे, ये ब्रश का यूज कर रहे हैं आप, यहाँ तो कॉटन का भी यूज कर सकते हैं, कपड़े से कर सकते हैं और पेपर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जो करने वाले हैं इसको हम ब्रश करके दिखाएंगे। अब ब्रश क्या करेंगे, इसको हम इसको ब्लेंडिंग करेंगे ऐसे, इस तरह इसको हम ब्लेंड कर देंगे अच्छे से, ये देखिए काफ़ी अच्छा आ रहा है, इस तरह से हम पूरा कर देंगे। इधर हाईलाइट भी हो गया है, इधर डार्क भी हो गया है, शेड बढ़िया से आ गया है। तो ये जो टेक्निक है
ये है ब्लेंडिंग। तो इस तरह से आप चित्र को चार तरह का शेडिंग आराम से कर सकते हैं बढ़िया से, जो अच्छा चित्र लगेगा, लुक अच्छा लगेगा। ये हो गया ब्लेंडिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहला हैचिंग हो गया, दूसरा सेटिंग जो है ये क्रॉस हैचिंग हो गया, इसके बाद स्टिपलिंग हो गया, और चौथा जो लास्ट पॉइंट है ये है ब्लेंडिंग। इस तरह से चार तरह के आप टेक्निक यूज करके किसी भी चित्र को शेडिंग कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो कैसा लगा? मुझे आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आप इस टेक्निक का प्रयोग करिए, आप इसका प्रैक्टिस करिए, आपको ये भी करना आ जाएगा। और इसमें कोई भी टेक्निक यूज करिए, चित्र बहुत बढ़िया बनेगा। और कोशिश करिए कि आपको सभी टेक्निक आए शेडिंग करने का। शेडिंग जो है सभी तरह का करना सीखिए, और ऐसा कोई काम नहीं जिसको आप अगर करेंगे तो आएगा नहीं। अगर आप कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ज़रूर सीख जाएंगे। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कोशिश ज़रूर करें, प्रैक्टिस करें, आप उसको अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।